प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे के मौन ध्यान में बैठ चुके हैं। विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है और इसे सियासी ड्रामा करार दे रहा है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष हार के डर से बौखला गया है। कल अंतिम चरण का मतदान बाकी है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने सरकार बनाने का दम ठोक दिया है। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे के लिए ध्यान साधना में बैठ गए। ये वही स्थान है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले मां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यान लगाने के लिए पहुंच गए। पीएम मोदी की ध्यान साधना 1 जून तक चलेगी। धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री इस स्मारक में ठहरेंगे। पीएम मोदी जहां एक तरफ ध्यान लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रहा है। इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम की ध्यान साधना को पीआर स्टंट बताया है। दिखावटी बनावटी मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी, ये देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के मद्देनजर पीएम के ध्यान कार्यक्रम के प्रसारण पर राजनीतिक विरोध दर्ज कराया जा रहा है। News.